केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न तरह के सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बन रहे हैं। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 अगस्त से 15 अगस्त को देश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको देखते हुए तिरंगा खरीदने की भी होड़ लोगों में देखने को मिल रही है। ऐसे में हर घर तिरंगा पहुंचे, इसके लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है। गोंडा में जिला प्रशासन तिरंगा बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की मदद ले रहा है। जिले के सभी स्वयं सहायता समूह को एक लक्ष्य दिया गया है कि 10 अगस्त से पहले तिरंगे झंडे को बनाकर अपने संबंधित ब्लॉक के प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दें, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हर घर पर तिरंगे को पहुंचाएंगे। ऐसा ही एक स्वयं सहायता समूह है शांति महिला स्वयं सहायता समूह। इस समूह की 11 महिलाएं दिन रात एक करके तिरंगा बना रही हैं। पिछले 15 दिनों में इन्होंने अपने हाथों से करीब 14,000 तिरंगे को बनाया है, जिसे इनके द्वारा प्रशासन को सौंपा गया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत शांति महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 30,000 तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से ये महिलाएं 14,000 के तिरंगे झंडे का निर्माण कर अपने क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंप चुकी हैं और जल्द ही अन्य स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो तिरंगे झंडे का निर्माण कर रही हैं, वो भी अपने ब्लॉक के सक्षम अधिकारी को ये तिरंगे सौंप देंगी। तिरंगे के निर्माण में लगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि इसे बनाने में 23 रुपए की लागत आ रही है और इसको 27 रुपए में बिक्री किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक तिरंगे के पीछे महिलाओं को 4 रुपए की बचत होगी। ये हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हमें तिरंगा सिलने का, तिरंगा झंडा सिलने का हमें काम मिला है। ये कम हमें 30,000 का ऑर्डर मिला है, हमने 12-13,000 हम सिल के पहुँचा चुके हैं। हमारा ये झंडा सीधा विकास भवन जाता है, विकास भवन से हमारा सब बिक जाता है और हमें अब स्टॉल लगाने को कहा गया है, तो हम इस टाइम स्टॉल लगा के बेच रहे हैं। इसे कितनी लागत आ रही है जी? हमारे 23 रुपये की लागत है और 27 रुपये का हमारा झंडा बिक रहा है, हमें 4 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ये महिलाएं तिरंगे को प्रशासन को तो दे ही रही हैं, साथ में शहर के कई इलाकों में स्टॉल लगाकर बेच भी रही हैं, जिससे इनकी आमदनी बढ़ रही है। जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा पहुंचे, इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का है, वो लेटेस्ट निर्देश भी आ गए, रात में फहराने की अनुमति दे दी गई है सभी जगह, तो वो चीज जरूर देख लेंगे आप लोग और इसमें सभी लोग फहराएंगे जरूर। जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अच्छे झंडे, बड़े झंडे फहराया जाए। जो घर पे है उसके लिए झंडे की व्यवस्था हो रही है और वो कंट्रीब्यूटरी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। जो जितना दे सकता है, झंडे की कीमत 20 से 25 रुपए रखी गई है। कोई अगर 5 रुपए दे सकता है, 5 रुपए दे दे झंडे का, 10 रुपए दे सकता है, 10 दे दे, 25 दे सकता है तो 25 दे। कंट्रीब्यूटरी बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल आपको पूरा पैसा ही देना है, लेकिन शासन का निर्देश यही है कि हर घर में जरूर फहराया जाए। शहर के क्षेत्र में आप लोग खास करके जो हमारे चेयरमैन आए हैं सभी, वो लोग देख लेंगे कि शहर में इसका बढ़िया वो हो जाए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो जाए, ड्रोन वगैरह से 1-2 मिनट का वीडियो वगैरह बनवा लें, जिससे कि एक अच्छा इमेज आए। जैसे जो ऊपर से आएगा वो फोटो वगैरह खींचते हुए, तो अच्छा एक आएगा कि हर घर में तिरंगा लहराया हुआ है। चूंकि ये गर्व की बात है कि हमारे देश ने 75 साल आजादी के पूरे कर लिए हैं।